नमस्कार, दिलीप वलसे पाटिल का शरद पवार पर तंज। बोले, जनता में बहुमत देकर एक बार भी नहीं बनाया सीएम। अजीत पवार गुट के नेता और कई सालों तक शरद पवार के सहयोगी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप वलसे पाटिल ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि जनता ने बहुमत देकर एक बार भी पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। वहीं इस पाटिल के इस बयान से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई है, क्योंकि वलसे पाटिल भले ही अब अजीत पवार के साथ है, लेकिन उन्हें पवार का काफी वफादार माना जाता था। एक समय के निजी सहयोगी से लेकर राज्य के गृह मंत्री तक का पाटिल का सफर भी अक्सर चर्चा में रहा है। वहीं वलसे ने पवार की इस तरह से आलोचना क्योंकि इसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। बता दें कि दिलीप वलसे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि हम मानते हैं कि देश में शरद पवार के कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार को कभी बहुमत नहीं दिया। शरद पवार कभी भी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। धन्यवाद।